हेलो एवरीवन, बेटा अटेंडेंस मार्क करेंगे और कल जो क्लास थोड़े से दिक्कत हो गई थी ना, प्रॉब्लम आ गई थी कल एक, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बात जो चल रही थी हमारी, वो चल रही थी कॉलाज लॉ से। थोड़ा सा हो गया था वहां पे, लेकिन मैं वापस यहाँ पे बता देता हूँ कुछ कंपाउंड्स की। मैंने यहाँ पे लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी भी लिखी हुई है। तो देखो, बात जो हमारी पहुंच गई थी, वो बात यहां तक पहुंच गई थी कि जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, प्लॉट किया था लैम्डा एम और स्क्वायर रूट ऑफ सी के बीच, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ सी के बीच जो ग्राफ हमने प्लॉट किया था, उसकी हेल्प से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो फाइंड आउट कर पा रहे थे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमको वहां प्रॉब्लम आई उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज को फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमाइन करने में, ठीक है। तो फिर कॉलाज ने उस चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज हैं उनको स्टडी किया। वो डेटा उसने कलेक्ट किया, एक पेपर ले लिया और वो डेटा लिख लिया सबका। जैसे मैंने यहाँ पे वही उसी डेटा से कुछ कंपाउंड्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उठाई हुई है। कल मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था, आज मैं पर्टिकुलर जो वैल्यूज हैं उससे आपको समझाऊंगा। तो आपको बात समझ में आई, कॉलाज ने क्या किया, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को लिया और उनकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज है उनका डेटा बनाया, है ना। उनको समझ लो आप पेपर पे लिखा, राइट डाउन किया, और राइट डाउन करने के बाद कुछ सिमिलरिटीज वहां पे उसने देखी, उन चीजों के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो उसने उन इलेक्ट्रोलाइट से कुछ ऐसे पेयर उठाए, इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ ऐसे पेयर उठाए जिनमें के एनायन कॉमन हो और कैटायन डिफरेंट हो, ठीक है। ऐसे कुछ सेट्स वहां उसने लिए। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले KCl और NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दिखाता हूं। तो लैम्डा एम नॉट फोर KCl ये उसने लिया, उसी डाटा से हमने ये डाटा उठाया, लैम्डा एम नॉट फोर NaCl, और उसने जो वैल्यू वहां पे लिखी हुई है वो वैल्यू वहां से उठा ली हमने, और ये वैल्यू है KCl के लिए 149.8 और NaCl के 126.4। ये बात मैं कल आपको समझा रहा था। तो इनका डिफरेंस एक्चुअली उसने देखा, देखो आप क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है इन दो इलेक्ट्रोलाइट में। इनमें सिमिलरिटी ये है कि यहां पे जो आयन एनायन है वो कॉमन है। तो जब डिफरेंस हम इसका देखते हैं तो देखो वैल्यूज क्या है, 149.8 माइनस 126.4। तो जो वैल्यू यहां पे आती है, ये वैल्यू आती है आपकी 8 माइनस 4 4 आ गया और 9 माइनस 6 आ गया 3, यानी कि ये आया 3.4, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। दूसरा पेयर इसी तरह का हम लेते हैं, लैम्डा एम नॉट कैटायन, दोनों में क्या रहेंगे, जो पेयर यहां पे हमने लिया कैटायन के है और यहां पे एन ए है, वो दूसरे वाले पेयर में भी सेम रहेगा। जैसे यहां पे KBr और NaBr वाला एग्जांपल लिया हुआ है, तो लैम्डा एम नॉट फोर किसके लिए लेना है, KBr माइनस लैम्डा एम नॉट फोर NaBr, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी कॉलाज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या ऑब्जर्व किया। आप थोड़े बस 2 मिनट का पेशेंस आप बना के रखें। तो ये वैल्यू आप देख लें, 151.9 माइनस 128.5, ये डिफरेंस भी आप देखेंगे तो 3.4 आता है, ठीक है। यहां सिमिलरिटी क्या है, जो एनायन है वो सेम है, लेकिन एनायन यहां से डिफरेंट है, ठीक है। कैटायन जो यहां थे वही यहां है, लेकिन दोनों जो आपने पेयर लिया है उन दोनों में एनायन सेम है, कैटायन डिफरेंट है, समझ गए। अब यहां पे जो डिफरेंस उसने देखा वो 3.4 देखा, और दो पेयर लिए हमने यहां पे, आप देखो KBr और KNO3, अब की बार कैटायन सेम रखना है, एनायन डिफरेंट रखना है। अब लैम्डा एम नॉट फोर KBr
और लैम्डा एम नॉट फोर के एन ओ थ्री, इनकी वैल्यूज का डिफरेंस जो हम देखते हैं 151.9 माइनस 144.9, ये डिफरेंस जो आता है भाई 7.0 आता है, 7.0। हाँ ठीक है, दूसरा पेयर लेते हैं लैम्डा एम नॉट एन ए बी आर माइनस लैम्डा एम नॉट एन ए एनओ थ्री। देखो बी आर यहां भी है यहां भी, एनओ थ्री यहां भी है यहां भी है, यहां के था कैटायन सेम है, यहां है ना कैटायन एन ए सेम है, तो जो डिफरेंस आप देखेंगे वो देखेंगे 128.5 और 121.5 का जो डिफरेंस है अगेन वो 7.0 है। ठीक है, तो इस रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या है, इसका कॉन्क्लूजन क्या है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हम लेते हैं और सेम एनायन सेम कैटायन वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं अगर उनके लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटीज का डिफरेंस हम देखते हैं तो वो कैसा आता है, वो सेम आता है। ठीक है, ये अलग तरह के पेयर हैं, ये अलग तरह के पेयर, इस तरह के जितने भी पेयर आप बनाओगे वहां डिफरेंस 3.4 रहेगा और इस तरह के जितने पेयर आप बनाओगे वहां पे जो डिफरेंस रहेगा वो 7 रहेगा, तो डिफरेंस रिमेन सेम। क्यों होता है ऐसा, तो इसको जब बहुत अच्छे से स्टडी किया कोलाज ने तो उसको मिला कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हमारे पास NaCl हो गया, KCl, KCl हमारे पास हो या KBr, KNO3 हो गया, तो जब मैक्सिमम डाइल्यूशन होता है, जब मैक्सिमम डाइल्यूशन होता है, तो मैंने ये बात आपको कल भी बताई थी, लास्ट क्लास में बताई थी कि जो मैक्सिमम डाइल्यूशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं वो इतना दूर चले जाते हैं कि जो हिंड्रेंस है एक दूसरे की मोशन में जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं अपोजिट चार्ज वाले आयन, वो हिंड्रेंस मिनिमम हो जाता है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे काम नहीं करता, इसलिए जो मोशन है वो आयंस की फ्री हो जाती है। तो कोलाज ने जब ये डेटा देखा, इसको स्टडी किया, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया और उसने कहा कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है एक्चुअली वहां पे जो आयंस प्रेजेंट हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब हम डिटरमाइन कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां पे जो आयंस हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में वो फिक्स है, वो वैल्यू कांस्टेंट है। अगर ये डाइल्यूशन मैक्सिमम ना हो, तो मैक्सिमम अगर नहीं होगा तो वहां पे जो एनायंस हैं वो कैटायंस की मोशन को हिंडर करते हैं और जो कैटायंस हैं वो एनायंस की मोशन को हिंडर करते हैं। तो ये रीजन होता है जिसकी वजह से ये जो डिफरेंस यहां पे देखते हैं वो सेम आता है। आप देखो यहां पे कि सीएल की जो लिमिटिंग कंडक्टिविटी है, सीएल की यहां जो लिमिटिंग कंडक्टिविटी है वो सेम होगी दोनों जगह, क्योंकि यहां पे के आयन है, के आयन का कोई भी हिंड्रेंस यहां पे नहीं होता सीएल आयन की मोशन में, एन ए आयन का कोई हिंड्रेंस यहां सीएल आयन की मोशन में नहीं है, तो के आयन और एन ए आयन की जो वैल्यू है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, वो यहां फिक्स है, यहां फिक्स है, सीएल का यहां फिक्स है। तो अगर आप इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस करते हैं, तो यहां देखो एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस होती है, तो कैटायन और कैटायन से लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस आता है वो 3.4 रहेगा। यहां भी आप देखो, यहां भी कैटायन के आयन है, यहां भी एन आयन है, बी आर की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, बी आर की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो वो डिफरेंस जीरो हो गया। तो के आयन और एन आयन का जो डिफरेंस है वो केवल आपको मिलेगा 3.4, तो इस वजह से वैल्यू जो आ रही है वो सेम यहां पे आती है 3.4 3.4। ठीक है, अब यहां आप देखो, यहां Br की वैल्यू, NO3 की वैल्यू, K वाली वैल्यू और K वाली वैल्यू सेम होंगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, Br और NO3 का डिफरेंस आपको मिलेगा 7, यहां NA वाली वैल्यू और NA वाली वैल्यू सेम होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो Br और NO3 का डिफरेंस जैसे यहां आपको मिला इसी तरह यहां आपको मिलेगा, तो Br और NO3 का जो डिफरेंस है वो तो हमेशा 7 ही आएगा। जो
के और एनए का डिफरेंस है वो तो हमेशा 3.4 ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम डाइल्यूशन पे हर एक आयन का एक इंडिविजुअल एक फिक्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में रहता है। तो यहां कॉलाश ने बोला कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, सपोज यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट ए भी है और इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहां पे उसने कहा कि जो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है दैट विल बी द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। जो आयंस की लिमिटिंग कंडक्टिविटी है उसको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी कॉलाश ने बोला, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ए आयन की जो कंडक्टिविटी होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी होगी, और बी आयन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी होगी। तो ये स्टेटमेंट बना, और स्टेटमेंट कैसे बना कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ये मैं यहां लिख भी देता हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये स्टेटमेंट है भाई कॉलाश लॉ का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस। ये ऑब्जर्व किया किसने, कॉलाश ने, जब बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसने चार्ट पे लिख ली, पेपर पे लिख ली और उनको ऑब्जर्व किया सेम सेम सेट बना के, तो उसको मिला कि जो डिफरेंस आते हैं वो तो सेम आते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम डाइल्यूशन पे जो कंट्रीब्यूशन है किसी भी आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में दैट इज फिक्स्ड, और यहां ये स्टेटमेंट आ गया कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस। बात समझ में आ गई कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमने लेना है, चाहे वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, तो यहां जो सॉल्यूशन हमको मिला वो किसका मिला, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो तो ग्राफ की हेल्प से भी हम निकाल पा रहे थे, लेकिन कॉलाश ने सॉल्यूशन दिया जो प्रॉब्लम थी उसका कि भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालें। तो कॉलाश ने कहा कि बस आप ये देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस हैं उनकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज क्या है, और उन लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज का सम आप कर दीजिए, सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस। ये वाला आप देख लो, पर्टिकुलर एग्जांपल यहां पे लेते हैं हम, सपोज हमने NaCl लिया, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अभी स्ट्रॉन्ग पे बात करते हैं उसके बाद वीक पे बात करेंगे। सोडियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सपोज आपने फाइंड आउट करनी है, तो सोडियम क्लोराइड की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी क्या होगी,
ये सोडियम क्लोराइड की लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी होगी। ये विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी देख सकते हैं आप, और जो कोलास ने स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग। बस आपको सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर आपको BaCl2 बेरियम क्लोराइड की लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो यहां पे लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी किसकी चाहिए आपको? बेरियम आयन की चाहिए, और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी किसकी चाहिए? क्लोराइड की चाहिए। लेकिन क्लोराइड कितने है? 2, तो ये डबल हो जाएगी। अब यहां पे देखो लैम्डा, लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी के लिए ये वाला लैम्डा सिंबल यूज करते हैं, और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी के लिए ये लैम्डा यूज करते हैं जो हम पहले से लैम्डा पढ़ते हुए आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे लिया हुआ है, तो ये तो आप सिंबल जब बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे। बाकी अभी आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वेदर इट इज स्ट्रांग और वीक, आप उसकी लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन में आ जाता है, कोलास लॉ का पहला एप्लीकेशन है ये, डिटरमिनेशन ऑफ। अभी एप्लीकेशंस की बात करते हैं हम, जो कोलास ने एक्चुअली सॉल्यूशन दिया हमें, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। कोलास ने उन चीजों को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसने सॉल्यूशन दिया कि भाई आप इस तरह से चीजें कर सकते हैं। तो कोलास लॉ की जब एप्लीकेशंस की बात आती है, तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशंस की बात आती है कोलास लॉ की, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलर लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कोलास ने जो मेहनत की वो क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी ग्राफ की हेल्प से नहीं निकाल पा रहे थे, उसके लिए उसने सॉल्यूशन दिया। तो क्या सॉल्यूशन है वो देखो, आपने लैम्डा एम नॉट, सपोज हमको फाइंड आउट करना है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ग्राफ की हेल्प से तो इसकी जो लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी है वो हम निकाल नहीं सकते, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से हम निकालते हैं। आप देखो क्या कहा उसने, उसने कहा कि अगर आपको एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी चाहिए, तो आपके पास एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी हो, तो उनको आप सम कर दो। लेकिन ये आए कहां से, हमको मिले कहां से? देखो तो इसके लिए आपको कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चूज करने होंगे। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से चूज करें हम, इसके लिए एक हिंट मैं आपको दूंगा। आपको ये देखना है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिस वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है, उसमें आयंस कौन से हैं। तो आयंस देखो, इसमें एक है एसीटेट आयन। अब ये एसीटेट आयन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, तो हमको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला CH3COOHN, सोडियम एसीटेट, एक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, ठीक है, जिसमें एसीटेट आयन प्रेजेंट है। दूसरा आयन कौन सा है, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, ये भाई प्रेजेंट है HCl में। दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास हो गए, जिसमें एसीटेट आयन प्रेजेंट है एक में और दूसरे में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। अभी हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आया, देखो एक्स्ट्रा इसमें Na आ गया और Cl आ गया, तो तीसरा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा आपके पास वो NaCl बनेगा। इन तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी आप डेटा से उठा लें, टेबल है आपके पास भी, और जो वैल्यूज हैं इनकी वैल्यूज हमें पता होती हैं। और जो पहले दो हैं, पहले दो कौन से होंगे, पहले तो वो होंगे जो आयंस वाले, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस वाले हैं। तो लैम्डा एम नॉट 4CH3COOH प्लस लैम्डा एम नॉट 4HCl माइनस, और जो तीसरा इलेक्ट्रोलाइट आपका इन इन आयंस के कॉम्बिनेशन से बना, उसकी लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी आप माइनस कर दें, ठीक है।
ये आपको करना है, यानी कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है अगर, तो उसके लिए तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको चाहिए। कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे चूज करेंगे आप, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है जो आपको मिला है उस इलेक्ट्रोलाइट में आयन देखिए आप, अकॉर्डिंग आपको है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे यहाँ पे CH3COO-, तो CH3COONa आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सिलेक्ट किया। यहाँ हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन वाला एक इलेक्ट्रोलाइट HCl आपने प्रेजेंट किया, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अब तो दो आयन एक्स्ट्रा आए, यानी कि जो दो आयन वहां प्रेजेंट है जो आपको नहीं चाहिए, वो थर्ड इलेक्ट्रोलाइट आपका बनेगा NaCl, ये हो जाता है। तो NaCl को माइनस करना है, बाकी दो को आपको एड करना है। कैसे मिलेगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, आप देखो भी जो सोडियम एसिटेट है, ये भाई सोडियम एसिटेट है, सॉरी सोडियम एसिटेट, तो आप देखो जो सोडियम एसिटेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, लैम्डा नॉट CH3CO- प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ये हो गया। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, आप देखो आप हर एक आयन की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है मैक्सिमम डायलेशन। तो जो सोडियम आयन की यहां पे लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी होगी वो यहां होगी, तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, Cl आयन यहां कैंसिल आउट हो गया, इनकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी कैंसिल आउट हो जाती है। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा CH3CO- और हाइड्रोजन आयन, इन दोनों की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का सम, जो कि आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको चाहिए, ये आपको चाहिए, समझ आ गई बात, ये आपको चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, नाउ यू आर एबल टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये एप्लीकेशन है कोलाज लॉ का, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन भी एक आपका पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ें आप। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से मैं लेता हूं, वहां आपसे पूछा गया है कि एक तरीका आपको बताना है, राइट द वे हाउ यू कैन डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वॉटर। वॉटर इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया एसिटिक एसिड में, जो तरीका आपने फॉलो किया वही आप यहां फॉलो करें। क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए लैम्डा आयन फोर एच प्लस एंड लैम्डा फोर सी एल माइनस, लिमिटिंग आयनिक सॉरी ओ एच आयन, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी फॉर हाइड्रोजन आयन एंड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी फॉर OH आयन, ये आपको चाहिए। कैसे मिलेगी, देखो ये आयन किस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होता है, HCl में प्रेजेंट होता है, H आयन HCl में प्रेजेंट होता है, तो लैम्डा एम नॉट फॉर HCl आप उठा लें डेटा से, प्लस OH आयन किस में होगा, OH आयन NaOH में होगा, तो लैम्डा एम नॉट फॉर NaOH आप डेटा से उठा लें। अब आप देखो एक्स्ट्रा क्या आया, एच आपको चाहिए, OH आपको चाहिए, यहां Cl एक्स्ट्रा Na एक्स्ट्रा, यानी कि NaCl को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, थ्री स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको रिक्वायर्ड है, जिनमें आप क्या करेंगे HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और NaOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप क्या कर देंगे एड कर देंगे, और NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप माइनस कर देंगे, तो आपको वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। तो कोलाज ने ऐसा तरीका आपको बता दिया कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना अब मुश्किल नहीं है, अब मुश्किल नहीं है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी है आपके बुक में, आप करेंगे वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है, मैं भी कराऊंगा आपको, बाकी आप अपने लेवल पे भी ट्राई करेंगे। दूसरे एप्लीकेशन की बात करनी है भाई, दूसरा एप्लीकेशन क्या है,
दूसरा एप्लीकेशन है डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन इन वाटर ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसोसिएट किस एक्सटेंट में होता है इस बात पे मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, ये हमने पढ़ा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है अगर, तो हमको मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करने की हमें जरूरत पड़ेगी, डिटरमाइन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको परसेंटेज देता है कि भाई कितना परसेंट, कितना एक्सटेंट में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमारा डिसोसिएट हुआ है या हमने उसका सॉल्यूशन बनाया। तो ये भी एप्लीकेशन हुआ किसका, कोलाश लॉ का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पढ़ना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये फॉर्मूला है कि अल्फा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये रेशियो आप निकाल देंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइट की, ये कॉन्सेंट्रेशन यहां पे है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उधर ही है ना, तो ये हो गया भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन, इसको मना करके आना है और फटाफट भाग के जाए बेटा, 2 मिनट रुकेंगे अभी। थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, थर्ड एप्लीकेशन है डिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। हो गया, तो देखिए जो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है ना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन जो बनेगा कोलाश लॉ पे, वो तीनों एप्लीकेशन को एक साथ लेके बनेगा। उसमें आपसे आपको जरूरत पड़ेगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के निकालने के लिए भी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने की भी, और डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये सपोज इस तरह डिसोसिएट होता है। ठीक है, जब हमने ए बी इलेक्ट्रोलाइट लिया तो जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है सपोज वो सी है। इनिशियली अगर हम देखें
तो ये होता है, आपने पढ़ी हुई ये चीजें, कॉन्सेंट्रेशन सी, डिसोसिएशन अभी हुआ नहीं है क्योंकि बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, जब तक हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला नहीं है तब तक हम बात कर रहे हैं। तो यहां जीरो जीरो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हम अल्फा लेते हैं तो यहां पे सी इंटू वन माइनस अल्फा होगा, ठीक है, यहां सी अल्फा और यहां सी अल्फा। तो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट हम कहें तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को लेते हैं के से, और के होता है ए आयन कॉन्सेंट्रेशन, बी आयन कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी, सी अल्फा क्यों लिया, सी अल्फा ए आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एट इक्विलिब्रियम, सी अल्फा, बी आयन कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा, ए बी सी इंटू वन माइनस अल्फा। तो ये आपका होगा सी अल्फा स्क्वायर ओवर वन माइनस अल्फा। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये आपका आ गया के इक्वल सी अल्फा स्क्वायर ओवर वन माइनस अल्फा। जो अल्फा होता है दैट कैन बी नेगलेक्टेड विद कंपैरिजन टू वन, इन कंपैरिजन टू वन हम अल्फा को नेगलेक्ट कर सकते क्योंकि अल्फा बहुत छोटा होता है। तो हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा ये आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, तो के इक्वल सी अल्फा स्क्वायर। अब यहां से आपको जो भी देता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट देता है, उसी वैल्यू को आप यूज करके चीजें कर सकते हैं। तो कोलाज लॉ के एप्लीकेशन देखो, तीन एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। पहला, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी इसमें आप क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करो, बाकी क्वेश्चंस मैं भी कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।